हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाइक्स। तो सीबीएसई ने जस्ट अभी प्रेस नोट रिलीज किया है, एक घंटा हो रहा है, आप इसे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको डेट दिख रहा होगा, अप्रैल 1, 2020 को इसने अपना प्रेस नोट रिलीज किया है, सारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आप नीचे जाओगे तो देख सकते हो क्लास 1 टू 8, क्लास 9 टू 11, प्लस नीचे जाओगे तो आप क्लास 10th एंड 12th के बारे में भी, स्टेट बोर्ड्स के बारे में भी है, और भी बहुत कुछ रिजल्ट को लेके भी इसने कुछ क्लियर किया है। तो ये पूरा प्रेस नोट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पूरा समझाता हूं कि इसका कहने का क्या मतलब है। अब ऊपर इसने जो कुछ भी लिखा है, उसने बताया है कि जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे, कैंसल्स हुए थे, उसको लेकर सीबीएसई ने अभी एक प्रेस नोट रिलीज किया है। ये उसके नोटिफिकेशन है फर्स्ट से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला उसने क्या कहा है, पहला हमारा क्लास 1 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। उसने कहा है कि सारे बच्चे जो क्लास 1 से 8 के बीच में पढ़ रहे हैं, मे बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। दिस एडवाइजरी इज बीइंग इश्यूड इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी, से कंसल्ट करके क्लास 1 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स को, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 जो सीबीएसई बोर्ड करिकुलम में पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। मैं अभी आपको जी न्यूज का भी एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। जी न्यूज ने भी अभी अभी जस्ट कह दिया है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, जनरल प्रमोशन की बात कह दी गई है। तो क्लास 1 से 8 का एग्जाम नहीं होने वाला है, जिनका हो गया है उनका तो द बेस्ट है, जिनका नहीं हुआ है वो अगले क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। हमारा सेकेंड नोटिफिकेशन क्लास 9th और 11th के लिए है। इसने क्या कहा है, कहा है कि इट हैज़ कम टू आवर नोटिस दैट दो सेवरल, मतलब इन्हें बताया गया था कि कुछ स्कूल एग्जामिनेशन इवेल्युएशन प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेवरल स्कूल्स दैट हैव नॉट बीन एबल टू डू सो, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने नहीं किया है ऐसा, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट यूनियन टेरिटरीज के कुछ स्कूल हैं। अब उनको एडवाइस किया गया है टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 9th एंड 11th टू द नेक्स्ट ग्रेड, इन्हें अगले क्लास में इन्हें प्रमोट कर दिया जाए, क्लास 9th एंड 11th के सारे स्टूडेंट्स को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी अपडेट है अब तक की, जिसका हमें इंतजार था। पीरियोडिक टेस्ट टर्म, अब देखो इसने और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, कहा है कि ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द स्कूल बेस्ड असेसमेंट, अब स्कूल में इंटरनल्स हुए हैं या जो हमारे पिछले एग्जाम्स हुए हैं उसके बेस पर, प्रोजेक्ट वर्क के बेस पर, पीरियोडिक टेस्ट टर्म एग्जाम, इन सब के बेस पर जो अब तक से आपके स्कूल में कराए गए हैं क्लास 9th और 11th के लिए, उस बेस पर बच्चे को 9th से 10th में डाल दिया जाए और 11th से 12th में प्रमोट कर दिया जाए। अब वो चाइल्ड, उनके लिए भी कहा है, फॉर एनी चाइल्ड हु इज अनेबल टू क्लियर दिस इंटरनल प्रोसेस, ऐसा कोई बच्चा जो इंटरनल एग्जाम में भी पास नहीं हो पा रहा है, मतलब स्कूल के प्रोसेस, स्कूल ने सारा दमखम लगा लिया उसे पास करने में, फिर भी वो पास नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए इस कंडीशन में, द स्कूल में यूटिलाइज दिस पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग रिमेडियल इंटरवेंशंस, मतलब दूसरा उपचार निकाला जाए, स्कूल में गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ अपियरिंग इन स्कूल बेस्ट टेस्ट, अब स्कूल में दूसरा टेस्ट कराया जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए दी जाए जब सारे सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगे कि तब वो पास करके अगले क्लास में प्रमोट हो सके। मतलब क्लास 9th और 11th के ऐसे बच्चे जिनकी कंडीशन बहुत बुरी है, जो बहुत ज़्यादा पुअर है, जो इंटरनल और पीरियोडिक टेस्ट के बेस पर पास नहीं हो रहे हैं, उनका एग्ज़ाम फिर से होगा। अब देखो तीसरी अपडेट में उसने क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम्स को कहा है कि विथ रिगार्ड टू रीशेड्यूलिंग बोर्ड, जहाँ तक रीशेड्यूलिंग की बात हुई ना क्लास 10th एंड 12th के लिए, तो इट इज़ इन्फॉर्म्ड, ये इन्फॉर्म किया गया है कि इस स्टेज में बहुत डिफिकल्ट है ये डिसाइड करना, अनाउंस करना नया शेड्यूल एग्जाम्स के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी इट इज इन्फॉर्म्ड दैट एनी डिसीजन दैट द बोर्ड विल टेक विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी टेकन बाय अंडरटेकिंग एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। इसने कहा है कि अगर कोई फैसला क्लास 10th और क्लास 12th के न्यू डेट सीट को लेकर आती है तो वो हायर एजुकेशन अथॉरिटीज से कंसल्ट करके, बाय कीपिंग ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन डेट, इन सारी चीजों को लेकर आपको बता दिया जाएगा लगभग 10 दिन पहले। सब्जेक्ट फॉर बोर्ड एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे क्लास 10th एंड 12th में जो बचे हुए हैं, तो इसने कहा है कि इस सरकमस्टांसेस, सारी सरकमस्टांसेस, इसका मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना
रहा हूं, आप ये कह सकते हो, देख सकते हो कि लगभग इसने कहा है कि 8 एग्जामिनेशन डेज पर बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे ड्यू टू कोविड 19 पैनेडेमिक सिचुएशन की वजह से। मतलब लगभग 8 एग्जामिनेशन डेज में बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे और लगभग 4 एग्जामिनेशन डेज के मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई कंडक्ट नहीं करा पाई थी और लगभग 6 एग्जामिनेशन डेट पर बच्चे भी अपीयर नहीं हुए थे। तो लगभग 29 सब्जेक्ट क्लास 10th एंड 12th को मिला के रह गया था। इसने कहा है कि केवल मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे जो यहां पर मेंशन किए गए हैं, बाकी सब के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। इसने क्या कहा है, क्लास 10th के लिए पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, निल इसने कह दिया है, क्लास 10th की कोई भी एग्जाम रिलेटेड मतलब कि कोई भी एग्जाम रिमेनिंग नहीं है, बस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों का है जो क्लास 10th में रिमेनिंग है। हिंदी कोर्स है, हिंदी कोर्स भी, इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, ये सब एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और भी अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, उसमें आपको ऑलरेडी पास कर दिया जाएगा। अब क्लास 12th के लिए इसने क्या कहा है, दो नोटिफिकेशन है पूरे होल इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए भी। अब होल इंडिया में कौन कौन से एग्जामिनेशन रह गए हैं, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, सोशियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव सी, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, और भी यहां पर काफी सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये पूरा प्रेस नोट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ये पूरा प्रेस नोट आप पढ़ सकते हैं। अब रिवैल्यूएशन वर्क को, रिजल्ट को लेकर उसने क्या कहा है, कहा है कि ड्यू टू प्रेजेंट सिचुएशन, अब की स्थिति देखते हुए बोर्ड इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी इवैल्यूएशन वर्क मतलब कि कॉपी चेकिंग को आगे ले जा सके। द बोर्ड विल कम आउट, बोर्ड आपको नोटिफाई करेगी और इंस्ट्रक्शंस के साथ आगे आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि क्या सर्कमस्टांसेस है, उस हिसाब से बोर्ड फैसला लेगी। दिस इंस्ट्रक्शंस एंड डेट्स फॉर रीस्टार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन वर्क इन वेरियस इवैल्यूएशन सेंटर्स इन द कंट्री आपको 3-4 दिन पहले बता देगी कि अब रिजल्ट हमारा कॉपी चेकिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ था और इसने आगे कहा है कि अवॉइड र्यूमर्स, र्यूमर्स को अवॉइड करिए और फिर स्कूल्स को इसने कहा है कि आप सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो प्रमोट हो चुके हैं। तो ये जिस चीज का हमें अब तक इंतजार था वो बोर्ड लेके आ चुकी है उन फैसलों को। तो होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। एक समराइज के तौर पर कह ले तो क्लास फर्स्ट से लेके 8th के सारे बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, 9th से 11th के बच्चे प्रमोट हो गए हैं, बस उन बच्चों की प्रॉब्लम है जो इवैल्यूएशन वर्क को पूरा नहीं मतलब कि जो फेल होने की कगार पे हैं, जो पीरियोडिक टेस्ट और इंटरनल असेसमेंट के बावजूद फेल हो जाएंगे उनका फिर से एग्जाम होगा। और 10th और 12th के जो मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल है उसका डेट शीट मैंने आपको दिखा दिया। तो ये सब कुछ सीबीएसई ने रिलीज किया था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक।